आज पूरे भारतवर्ष तमाम जितने भी विपक्ष के दल हैं सारे लोगों ने मिलकर जो किसान विरोधी भारत सरकार और नौजवान विरोधी भारत सरकार अब जिस तरह का देख रहे हैं महंगाई चरम पर है, तो बहुत सारे इस तरह का जो है आज बरसों से मोदी सरकार जब से बनी है तब से लगातार जो है लोगों के ऊपर तानाशाही करते आया है, हिटलर शाही करते आया है। और निश्चित रूप से आज लगभग 10 माह से जो है किसान वहां पर धरना पर बैठे हुए हैं, जो अन्नदाता हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं, उनसे बात तक नहीं किया गया है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस बंदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे झारखंड में लगभग बंदी सफल है। और आज हम लोग स्टेशन परिसर में आए हुए हैं, बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर में, और हम लोग एक ही बात को कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से जिस तरह का अन्नदाता धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनसे वार्ता करके और जो संशोधित बिल है उस चीज को लाने की जरूरत है। चूंकि आज जिस तरह का आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छुआ हुआ है और सारे किसान और नौजवान जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी रेलवे हो या सेल हो या बेल हो, हर जितने भी कंपनियां हैं सारे कंपनियां को जो है प्राइवेटकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से सारे युवाओं में आक्रोश है और इस चीज को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सड़क पर उतरा है और जरूरत पड़ेगा जिस तरह का हम लोगों का सेंट्रल कमेटी द्वारा निर्देश आएगा आगे चलकर भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर है। और चूंकि आज जिस तरह का बंदी आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है नाकाबंदी तरह का है, जिस तरह का पहले भी होता था माननीय गुरु जी के आह्वान पर पूरे झारखंड में नाकाबंदी होता था, उस ढंग का आज है और हर जगह जो है निश्चित रूप से यह बंदी सफल हुआ है। और आज हम लोग स्टेशन परिसर में भी बंदी कराने के लिए आए हैं। धन्यवाद।